देश भर में कल से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी, 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमार लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में ये दी जाएगी। निजी अस्पतालों में 250 रुपए डोज की कीमत होगी, यानी कि इसकी कीमत होगी 250 रुपीज, 250 रुपए प्रति डोज, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होगी। कल से 1 तारीख से, यानी कि कल 1 मार्च से वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की शुरुआत होगी। दरअसल 60 सेकंड में खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। 60 सेकंड में पूरी खबर समझिए कि एक तो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सरकारी केंद्रों पर यह मुफ्त में होगा, निजी अस्पतालों में 250 रुपए प्रति डोज कीमत तय की गई है, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी, 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमार लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। वहीं 20 से अधिक गंभीर बीमारियों की सूची जारी की गई है, जिसमें मधुमेह, लीवर, किडनी, हृदय रोग, बाईपास, कैंसर, थैलेसीमिया, एचआईवी, कम प्रतिरोधी क्षमता वाले यानी कि कम इम्यूनिटी वाले लोग, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी वाले लोग, तो ये जिनको बीमारियां हैं उनको वैक्सीनेशन जो है पहले होगा। डॉक्टर के सर्टिफाइड कागज दिखाने होंगे। कोविन ऐप और kowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें। कॉमन सेंटर और सेवा केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सोमवार से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, ऐप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फरवरी में लगातार कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,753 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 11,718 लोग ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 113 लोगों की मौत की भी खबर है। अब तक कोरोना से 1.07 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में भी कहा कि कोरोना को ढिलाई नहीं देनी है। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों का भी जिक्र किया, लोगों को शुरुआत में शुभकामनाएं दी। कोरोना के नियमों के पालन में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, यह भी अपील की। हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है। आप सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ साथ कोरोना के संबंध में जो भी नियमों का पालन करना है उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश में 2 वैक्सीन आ गए हैं और ये वैक्सीन कल से सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में उपलब्ध होगा। दोनों वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण है जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है। और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब ये वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। अब आपको बताते हैं कि ऐप से रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल में कोविन ऐप आपने डाउनलोड करनी है। कोविन ऐप डाउनलोड के बाद जरूरी निर्देशों का पालन करना है। रजिस्ट्रेशन के दौरान फोटो आईडी की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान वैक्सीनेशन का दिन और सेंटर चुनने की सुविधा रहेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी जानकारी SMS के जरिए मिलेगी। ऐप पर आप घर के नजदीक का सेंटर भी चुन सकते हैं। एक फोन पर 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है।
आहूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश हमारे साथ पटना से मौजूद हैं, विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अंकुर हमारा साथ मुंबई से देंगे। पूजा, सबसे पहले पहले चरण के बाद दूसरे चरण की शुरुआत, जैसा कि सरकार ने पहले भी अनाउंस किया था जिस तरीके से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलना है, आम लोगों के लिए इस दूसरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में क्या है, वो कैसे जा सकते हैं, ये तो हम जानकारी दे ही रहे हैं, और इसके कौन कौन से ऐसे बड़े टिक्स हैं जो कि, जिसे मैं यूं कहूं कि लेमैन जो कि अभी जानना चाहता है इस वक्त टीवी स्क्रीन के जो सामने। बिल्कुल सचिन, सबसे पहले सबसे अहम जानकारी हम लोगों को ये दे दें कि अगर वो कोविन ऐप में रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हॉस्पिटल्स करेंगे। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, कुछ एक सरकारी अस्पतालों में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि अगर आप नहीं कर पाए हैं रजिस्टर और कोई दिक्कत आपको आती है तो वहां बैठा जो व्यक्ति है वो आपके लिए रजिस्टर करेगा। आपके पास कोई ना कोई वैलिड फोटो आईडी उस वक्त होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो सिर्फ एक पेज का बनाया गया है और वो इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति उसको भर सकता है। उसमें उन 20 बीमारियों की लिस्ट है जिसके दायरे में 45 से ऊपर के लोग आएंगे, वो पहले उस लिस्ट को देख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिस डॉक्टर से मिलेंगे वो भी सर्टिफाई करेगा कि वो इंजेक्शन लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए सही है या नहीं। दूसरी बात यह है कि अपने अनुभव के आधार पर मैं लोगों को बता सकती हूं कि अगर जब आप पहली वैक्सीन लगवाते हैं तो थोड़ा बहुत बुखार होता है और जहां इंजेक्शन लगता है जो कि बाई बाजू या दाई बाजू में से किसी एक पर पहली बार में लगाया जाएगा तो थोड़ा सा दर्द होता है। तो जिन लोगों को लगता है वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज हेल्दी हैं तो जरूर काम करें, लेकिन अगर चाहते हैं तो एक दिन की छुट्टी लेकर आराम कर सकते हैं, उससे उनको थोड़ा बहुत जो डर है और जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो भी कम हो जाएगी। सेकेंड डोज में थोड़ा सा ज्यादा पेन होता है लेकिन वो उसकी बारी 28 दिन के बाद आएगी तो अभी ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। पहली वैक्सीन के लिए तैयार रहें, सिर्फ वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाएं और अगर 45 से ऊपर वाले क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो ज्यादातर हॉस्पिटल्स इस वक्त वैक्सीन के लिए तैयार है। एक बात और सचिन हम बताना चाहेंगे कि जब ये वैक्सीन लॉन्च हो रही थी तो भारत बायोटेक ने भी और कोविशील्ड ने भी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी ये कहा था कि 1000 से कम पर वैक्सीन देना मुमकिन नहीं होगा। तो ये वाकई बहुत बड़ी सफलता होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 250 रुपए में एक डोज यानी कि 500 रुपए में दोनों डोज लोगों को लग जाएगी। तो अपने मौके को गंवाना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है। ब्रजेश, इस वक्त क्या तैयारी है पटना की, कैसे सेंटर्स वहां बनाए गए, सरकारी अस्पतालों का वैक्सीन पहुंची, क्या कहना सीएमओ और बाकी अधिकारियों का? देखिए सचिन, अभी तक केंद्र सरकार से बिहार सरकार को करीब 23,33,000 खुराक मिली थी जिसका उपयोग 6,64,000 है उतनी खुराक का उपयोग कर लिया गया है। और कल से जो टीका का दूसरा दौर शुरू होने वाला है उसके तहत आप समझ सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा गया है बिहार में करीब 1,08,00,000 लोगों पर लक्ष्य रखा गया है कि इतने लोगों को टीकाकरण कराना है। खास बात है जैसे पूजा ने बताया कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में भी ऑन स्पॉट की व्यवस्था की गई है, बिहार में ऐसी व्यवस्था फिलहाल की गई है। केवल जो सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, वहां पर आप जाके ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन निजी अस्पतालों में ये व्यवस्था फिलहाल नहीं दी गई है। जो कोविन पोर्टल पे अपना नामांकन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वही जाकर करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है निजी अस्पतालों में ये व्यवस्था नहीं की गई है। तो दूसरे चरण के लिए बिहार बिल्कुल तरीके से तैयार है और शनिवार और रविवार, कल और आज ये ड्राई रन भी किया गया है ताकि जो बिहार का नया अभियान शुरू हो रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं हो। सचिन, ठीक है, अंकुर मुंबई से क्या खबर? सचिन, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से इम्पेलेंट जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्रधानमंत्री का जो जन आरोग्य योजना है उसकी तरह जो इम्पेनल्ड है, उनके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई समेत कहा जा रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत भी जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं महाराष्ट्र और मुंबई में, टोटल मिलाकर मुंबई में ऐसे तकरीबन 50 हॉस्पिटल हैं, उनमें वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है। बीएमसी की अगर मैं बात करूं तो बीएमसी ने कल के लिए 24 बीएमसी के हॉस्पिटल्स जो ऑलरेडी जहां पे इस वक्त वैक्सीनेशन चल रहा है पहले राउंड से ही, उनको मिलाकर कुछ 40 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें परमिशन दी है जहां पे कल वैक्सीनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो तैयारी इस बात को लेकर है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको उनसे बेहतर तालमेल किया जा सके, क्योंकि जो भी डेटा उनके पास जाएगा वो पुख्ता तौर पर सरकार के पास आए, ये भी इंश्योर करना है वैक्सीनेशन के दौरान। और विशाल, क्योंकि अभी हमने देखा योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित करते हुए ये कहा कि दूसरे राउंड के लिए या फिर दूसरे वैक्सीनेशन के लिए पूरे तरीके से तैयारी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बाकायदा निर्देश है कि किसी को ये मिस नहीं होनी चाहिए जो भी वहां पर आए, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं ऐप के थ्रू ही सही ये जो सुविधा है
वो स्मूथ होनी चाहिए। आपके पास और क्या इसके ऊपर अपडेट है? देखिए, यूपी सरकार ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी निर्देश जारी कर दिए गए थे। कल चूंकि टीम 11 की जब बैठक हुई थी, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, तो उस बात को लेकर भी कहा गया था कि वैक्सीनेशन में कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता रखी जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, समय समय पर लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि आम आदमी के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी और जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये उपलब्ध होंगी, इसके लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है पहली डोज के लिए। और इस ये बहुत स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी हाल में 250 रुपये से ज़्यादा ना लिया जाए, 250 रुपीज़ ही किसी को पे करने होंगे अपनी पहली डोज के लिए। ये बहुत स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने इस बात के लिए भी तैयारी कर ली है कि 4 तारीख से जो सॉफ्ट ड्राई रन है वो भी चलाया जाएगा। तमाम जितने भी ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पर जाकर वृद्धाश्रम में जाकर बकायदा उनको वैक्सीन लगाई जाएंगी। अभी फिलहाल सरकारी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी सुविधा रखी जाएगी ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी ग्रामीण इलाकों में कैसे रजिस्ट्रेशन होना है ये लोग नहीं जानते हैं। और इसी वजह से बकायदा एक टेक्निकल स्टाफ जो है उसको भी अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जो एक मेडिकल टीम है वो हमेशा 24 घंटे लगातार हेल्पलाइन पर मौजूद रहेगी, और अगर किसी को भी वैक्सीनेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो बकायदा जो नंबर दिए रहेंगे उनका उस पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद आराम से वो अपनी डेट और जो जहां पर उनको वैक्सीनेशन कराना है वो जगह जो है वो चुन सकते हैं। तो फिलहाल कुछ इसी तरह की तैयारियां हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इस बात को कह भी दिया है। पूजा, एक और सवाल, ये उस वक्त पे शुरू हो रहा है दूसरा दौर या सेकंड राउंड, जिस वक्त कहा जा रहा है कि देखिए कोरोना का भी दूसरा स्ट्रेन आ चुका है, कोरोना का अब दूसरा अनलॉक भी आ सकता है, 5 राज्यों में तो ऑलरेडी केसेस बढ़ रहे हैं, अब ऐसे में वैक्सीनेशन सेकंड राउंड प्लस वो जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं या फिर ये जो केसेस आ रहे हैं उनको मैनेज करना, इस बीच के बैलेंस को लेकर के अथॉरिटीज क्या कर रही है? सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है सचिन वो ये आ रही है कि एक के बाद दूसरे और अब तीसरे करते करते पंजाब तक भी हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए भी सरकार सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पर अब जोर दे रही है और इतनी तेजी में जो तीसरा चरण जिसे हम कह रहे हैं वो शुरू कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि वैक्सीन लगाकर जो संक्रमण की चेन है उसे बहुत बड़े हद तक ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि 45 साल और 60 साल के वो लोग हैं जिनको कोरोना अगर हो जाता है तो संक्रमण न केवल खुद तेजी से संक्रमित होते हैं बल्कि दूसरों में भी तेजी से फैलाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसीलिए जो लिस्ट बनाई गई है उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शामिल कर लिया जाए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको न तो केवल रोग जल्दी पकड़ेगा बल्कि वो दूसरों को ज्यादा से फैलाएंगे। तो इसका मकसद यही है। अभी हमें उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी कि आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार ने देखा कि दूसरा फेज आ रहा है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगाम लगाने के लिए जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है, तो ये दोहरा मकसद है कि लोग सुरक्षित भी हो जाएं और संक्रमण की चेन भी टूट जाए। और रैंडमली कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के 250 रुपए में वैक्सीन लगा सकता है या उसके लिए बकायदा वो जो 45 ईयर्स वाला बाढ़ है अगर कोई बीमारी है या फिर वो 60 ईयर्स अभी वही जरूरी होगा? पूजा, ये सवाल आपके लिए था। सचिन, एक बार फिर से अपना सवाल। मैं ये कह रहा था कि कोई भी कुछ वक्त में कहूं या फिर अब की कहूं, कोई भी रैंडमली जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा के प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपीज दे करके वैक्सीन नहीं लगवा सकता है या उसके लिए अभी और इंतजार होगा कि अभी सिर्फ 45 प्लस और 60 प्लस वाला है? जी, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार सचिन करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हिसाब से सर्टिफिकेशन देने लगा तो उस पर भी सरकार की नजर रहेगी, क्योंकि फिलहाल हमें यह भी देखना होगा कि जो डोज है, चाहे वो कोविशील्ड की हो चाहे वो कोवैक्सीन की हो, वो इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उसे ओपन मार्केट में ले आया जाए, अभी लिमिटेड डोज अवेलेबल है। और ये भी देखना होगा कि जिसको पहली डोज लगी है उसको 28 दिन के बाद दूसरी डोज भी मिल पाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसी को देखते हुए सरकार ने अभी एक टाइट क्राइटेरिया खोला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने यानी अप्रैल आते आते आम जनता के लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है उसको भी जल्दी ही अप्रूवल मिल सकता है और एक आध विदेशी वैक्सीन भी इस वक्त कतार में है जिसको ड्रग कंट्रोलर की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अप्रैल तक 2 नहीं 4 से 5 वैक्सीन के विकल्प होंगे भारत में और उसी तरह से सप्लाई भी ज्यादा होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। साथ ही साथ ये भी बताते चले क्योंकि दूसरा, जैसे कि पूजा ने कहा, बेहद अहम ये दौर है, इसलिए कौन सी ऐप पर जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कितनी कीमत रहेगी, सरकारी हॉस्पिटल में अगर मुफ्त सीनियर सिटीजन को लग रही है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, हर जानकारी जो है वो जी जानकारी में आप नीचे देख सकते हैं। लगातार कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, वैक्सीनेशन से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Available on Google Play and App Store. Download it now.